भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। अफ्रीकी संघ आज से बना G20 का स्थायी सदस्य। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की शिकायत को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। प्रदेश भर के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। और कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन की थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आगाज हो चुका है। दो दिवसीय G20 का 18वां शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्यों का आगमन शुरू हो गया है। आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 9 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भारत मंडपम पहुंचे तो PM मोदी ने उनका वेलकम किया। बाइडेन को PM मोदी ने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का भी स्वागत किया। आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति में पहले दिन का सत्र शुरू हो चुका है। पहले सत्र में वन अर्थ विषय पर चर्चा होगी। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुई। PM मोदी ने भारत मंडपम में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली असोमनी को G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ देश के भीतर और बाहर समावेशी भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब लोगों का संगठन बन गया है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़ गए हैं। कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए, मेरा विश्वास है इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकी संघ आज से G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। आज शिखर सम्मेलन के पहले दिन दो सत्र होंगे जिनके विषय है एक पृथ्वी और एक परिवार। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, गैंग रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल से कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्य में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं से आम जनता दहशत में है। भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश पांडे,
सांसद सुनील सोनी सहित वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। प्रदेश भर के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायालय में आने वाले विभिन्न न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, दुर्ग में स्थायी लोक अदालत तथा किशोर न्याय बोर्ड और तहसील न्यायालय भिलाई 3, पाटन और धमधा में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जज और छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर अपने मामलों के निराकरण हेतु पक्षकार के लिए संबंधित गठित 32 खंडपीठ बनाए गए हैं। श्री भादुड़ी ने बताया कि समय से बचने और विवाद की स्थिति में आपसी रजामंदी के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत, इसमें लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना लिटिगेशन ख़त्म करे, इसके लिए रहता है ताकि बोथ दी पार्टी हैप्पी होके कोर्ट से जाए, इसका फर्दर लिटिगेशन ना रहे। और आपने अभी भी कोर्ट में जैसे देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी इसमें इसका रिस्पॉन्ड किया है। पूरे कॉरिडोर में आप मतलब चलने के लिए भी आपको तकलीफ होगी, इसका मतलब ये होता है कि लोग को इस पर भरोसा है विद दी पैसेज ऑफ टाइम। और टाइमली यदि कोई हो जाए तो बोथ पार्टी हैप्पी होकर निकल जाए, तो इससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। वहीं राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए 2700 से अधिक प्रकरण रखे गए हैं। वहीं राजस्व एवं तहसील न्यायालय के 36,000 मामले पटल पर सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इसके लिए 41 खंडपीठों का गठन किया गया है, जहाँ वादी प्रतिवादियों की सुनवाई की गई। राजस्व न्यायालय के साथ साथ हमारे जो तहसील न्यायालय हैं, बाहर के व्यवहार न्यायालय हैं, सभी लगभग 40 खंडपीठ बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं लगभग 2700 से अधिक केसेस रखे जाएंगे। साथ ही लिटिगेशन के साथ साथ राजस्व के जो प्रकरण हैं वो भी लगभग 33,000 के आसपास रखे जाएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक से रिलेटेड जो केस हैं लिटिगेशन वो भी है, CACB के केसेस हैं, और साथ ही साथ हमारे नगर निगम से रिलेटेड हैं, BSNL से रिलेटेड जो केस हैं वो भी रखे गए हैं। और हमारे जिला राजनांदगांव के जितने भी आमजन हैं सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी उत्साह है, और लोग अपने प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने के लिए अपना उत्साह भी दिखा रहे हैं और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी शो कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। न्यायालय में पहुंचे वादी प्रतिवादियों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया और न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जिलेवार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि मतदाता किसी प्रकार के प्रलोभन या भय में आकर वोट न डाले, वोट डालना सबका अधिकार है और इसी के तहत जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी एक नागरिक के तौर पे, प्रशासन के तौर पे, ये है कि चुनाव हमारे किसी भी प्रलोभन से, भय से मुक्त हो, और जो हमारे युवा मतदाता हैं वो एक सबसे बड़े एक मैसेंजर है एक फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। यहाँ पे सभी स्कूलों के बच्चे, पूरे सभी मतदाताओं को ये मैसेज देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, और आपके माध्यम से सभी से हमारा निवेदन है कि बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी वर्ग के मतदाता पहुंचे। थर्ड जेंडर समुदाय की माही सागर ने कहा कि मतदान करने के लिए उन्हें जागरूक किया गया है, इससे वे काफी खुश हैं और वे अपने समुदाय को भी जागरूक करने का काम करेंगी। वोट डाले सब ला प्रेरित करते और दिव्यांगों में हमन प्रेरित करथन के वोट डाले, और हमार समाज कल्याण के जो समाज कल्याण के भाटी पी भाई सर है वो हमन ला जागरूक करते एकर, और कलेक्टर मैडम भी आज सब बताई से कि जागरूक करना है वोट डाले बा। द्वितीय लिंग को भी यहाँ बुलाया गया और हमको भी मतदाता के बारे में बताया गया और जागरूक किया गया, और हम भी अभी जाके अपने जितने भी वर्ग के लोग हैं, थर्ड जेंडर हैं, उनको भी जागरूक करेंगे और वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे।
कार्यक्रम में 12 स्कूल के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया और मतदान करने संदेश दिया। अब कुछ खबरें जिलों से। स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करते हुए एनसीसी का देशभर में पुनित सागर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुनित सागर अभियान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीसी के इसी अभियान का मकसद नदी, तालाब और दूसरे जलाशयों को साफ सुथरा रखना और लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में एनसीसी रायपुर ग्रुप के कई संस्थाओं के 2000 से अधिक कैडेट्स ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री किनारे, बीच, झील, नदियों और तालाबों को सभी तरह से कचरों से मुक्त करना है। कोंडागांव मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति की साधारण सभा के पश्चात शेयरधारक किसानों ने कलेक्टर दीपक सोनी के साथ निर्माणाधीन इथेनॉल संयंत्र का भ्रमण किया। किसानों को प्लांट के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सेक्शन का भ्रमण कराते हुए उनकी कार्यप्रणाली और विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। प्लांट तक फसल लाने पर मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि पर भी हर्ष जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि इससे किसानों को उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। सभी को प्लांट में ही अभी उपलब्ध मक्का और आगामी फसल वर्ष में उत्पादित मक्के को विक्रय करने की सलाह दी गई। कोंडागांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर साइबर सेल के सहयोग से 15 दिन में 230 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समारोह आयोजित कर मोबाइल मालिकों को उनका गुम हुआ मोबाइल वितरण किया गया। कोंडागांव पुलिस द्वारा अब तक 1000 से अधिक गुम और चोरी हुए मोबाइलों को खोजकर उनके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाया गया है। साइबर सेल द्वारा रिकवर किए गए मोबाइल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अलावा सीमावर्ती राज्यों से रिकवर किया गया है। बेमेतरा जिला के ग्राम सिलघाट में पैसे के विवाद को लेकर कन्हैया मरकाम ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी थी। घटना 20 अप्रैल को हुई थी। आरोपी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अब आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। अफ्रीकी संघ आज से बना G20 का स्थायी सदस्य। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की शिकायत को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। प्रदेश भर के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। और कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन की थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।